सब्सक्राइब आकाश टेक्निकल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द न्यू वीडियोस इंस्टेंट। आकाश पालर आप देख रहे हैं आकाश टेक्निकल। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या क्या टॉप 10 फीचर्स है MIUI 12 के अंदर। तो मैं पोको M2 प्रो यूज कर, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या क्या टॉप 10 फीचर्स है MIUI 12.0.1 के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला टॉप फीचर है प्राइवेसी प्रोटेक्शन। यहाँ पर MIUI 12.0.1 के अपडेट के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है प्राइवेसी फीचर। प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए आपको जाना है सेटिंग्स पे, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर प्राइवेसी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। प्राइवेसी प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन सी ऐप, कौन कौन सी फीचर आपके फ़ोन पे यूज़ कर रहा है। तो आप अगर लोकेशन पे टैप करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि दिस एप्स आर यूजिंग योर लोकेशन फॉर देयर पर्पसेस। ओके, तो लोकेशन के अलावा भी कॉन्टैक्ट्स, कॉल लॉग्स, माइक्रोफोन, कौन कौन सी ऐप यूज़ कर रहे हैं आप यहाँ से पूरा डिटेल देख सकते हो। यहाँ पर और भी एक फीचर है जो है हाई रिस्क प्रोटेक्शन, हाई रिस्क परमिशन। हाई रिस्क परमिशन में क्या होगा कि अगर कोई भी ऐप बिना बताए इस फ़ोन से अगर कैमरा और माइक्रोफोन को इनेबल कर रहा है तो आपको एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए नोटिफिकेशन MIUI भेज देगा। सेकेंड फीचर है फ्लोटिंग विंडोज़। अगर आप दो ऐप यूज़ कर रहे हो एक साथ, अगर मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ, सोचता हूँ कि मैं YouTube भी यूज़ करूँगा एक साथ, तो कैसे करना है, यहाँ पर मैं पहले Instagram खोलूँगा, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके सेटिंग्स लाना है, उसके बाद यहाँ पर और भी एक बार स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से लास्ट पे ऑप्शन आएगा फ्लोटिंग विंडोज़, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ये चला गया एक फोरग्राउंड पे। यहाँ पर आप क्लिक करके इसको इनलार्ज भी कर सकते हो। अगर आप सोचो कि आप यूट्यूब करोगे तो यहाँ पर यूट्यूब क्लिक करने के तो ये भी होगा, ये भी होगा। इसको इनलार्ज करने के लिए इसको जस्ट इसको जो बटन है इसको इनलार्ज कर सकते हो। अगर इसको क्लोज करना है इस फ्लोटिंग विंडो को, अगर इस फ्लोटिंग विंडो को क्लोज करना है तो यहाँ पर आप एक बार इनलार्ज करके इसको स्वाइप अप कर दोगे तो पूरा क्लोज हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है न्यू कंट्रोल सेंटर। MIUI 12 का एक बेहतरीन फीचर है कि इसका एक न्यू कंट्रोल सेंटर आया हुआ है। तो इसको कुछ कुछ फ़ोन्स पे ये नहीं आ रहा है 12 अपडेट करने के बाद भी, और कुछ कुछ फ़ोन पे आ रहा है। तो जिन फ़ोन पे नहीं आ रहा है तो मैं एक बार भी दिखा दे रहा हूँ, अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर सेटिंग्स पे जाना है, सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले पे चले जाना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन शेड आएगा, तो यहाँ से आपको ये यूज़ न्यू कंट्रोल सेंटर आपको इनेबल और डिसेबल कर देना है। फीचर है डार्क मोड। डार्क मोड तो भी भाई MIUI 11 पे भी था, तो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस है। यहाँ पर आप डार्क मोड पे आप इंडिविजुअल ऐप्स के लिए भी डार्क मोड यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं फ्लिपकार्ट और फेसबुक के लिए इंडिविजुअली थर्ड पार्टी ऐप्स के लिए डार्क मोड यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर मैं अब फ्लिपकार्ट खोलूँगा तो मैं पूरा फ्लिपकार्ट यूज़ करूँगा डार्क मोड पे। है सपोर्ट ऑफ सुपर वॉलपेपर। आप देख सकते हो अगर मैं इसको ओपन करूँगा फिंगरप्रिंट लगा के, तो यहाँ पर एक सुपर वॉलपेपर का एनिमेशन आ रहा है। तो इसको कैसे आप इनेबल करोगे, तो यहाँ पर आप होल्ड एंड क्लिक कीजिए, उसके बाद वॉलपेपर पे चले जाना है, उसके बाद माई पेजेस पे चले जाना है, उसके बाद वॉलपेपर्स पे क्लिक कीजिए। वॉलपेपर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा सुपर वॉलपेपर का ये मार्स वाला ऑप्शन। यहाँ पर अप्लाई करोगे तो सेट बोथ कर दोगे तो यहाँ पर सुपर वॉलपेपर आ जाएगा। पर पे आता है फास्ट एनिमेशन। आप फास्ट एनिमेशन देख सकते हो यहाँ पर MIUI 12 के अंदर बहुत ही फास्ट स्वाइपिंग और एनिमेशन है। अब अगर आप और भी फास्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर पहले सेटिंग्स पे आपको चले जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर अबाउट फोन्स पे अबाउट फोन्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप MIUI वर्शन पे 7 बार टैप करोगे तो यहाँ पर आपको डेवलपर मोड ऑप्शन ऑन हो जाएगा। यहाँ से बैक करके यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके एडिशनल सेटिंग्स पे चले जाना है। यहाँ से आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर चले जाना है और स्क्रॉल डाउन करते रहना है जब तक एनिमेशन स्केल नहीं आ जाता। अब यहाँ पर देख सकते हो विंडोज एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल। इसको मैनुअली इंडिविजुअली 0.5 पे सेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा 0.5 पे सेट है, तो आपका एनिमेशन बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। इसके बाद आता है न्यू एनिमेशन इन वेदर विजेट। यहाँ पर जो वेदर विजेट है अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर न्यू एनिमेशन आता है। ये यहाँ पर हेज और फॉग है तो इसीलिए ये एनिमेशन आ रहा है। अगर यहाँ पर रेनी सीजन था तो एनिमेशन और भी अच्छा होता। तो यहाँ पर और भी एक फीचर है नंबर 8 पे नोट्स के लिए। अगर आप MIUI के नोट्स यूज़ करते हो, ये नोट्स फीचर है। यहाँ पर फोल्डर ऑप्शन
दे दिया है MIUI 12 के अंदर। यहाँ पर अब अगर क्लिक एंड होल्ड करोगे तो यहाँ पर मूव करोगे तो आप इजीली इसको एक फोल्डर बना के यहाँ पर मूव कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप MIUI 12 का नोट्स ना यूज़ कीजिए और प्ले स्टोर पर जाके यहाँ से आप कीप नोट्स यूज़ कीजिए। कीप नोट्स बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है और डेटा ब्रीच भी नहीं होता। 9th पे है सिक्योरिटी ऐप के अंदर न्यू एनिमेशंस। यहाँ पर अगर सिक्योरिटी टाइप करोगे तो यहाँ पर पहले ही आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अच्छा एक एनिमेशन दिया हुआ है सिक्योरिटी के अंदर। यहाँ पर लास्ट एंड 10th फीचर है कि यहाँ पर कास्टिंग पे आपको जो प्राइवेट चीज़ें हैं तो कास्टिंग पे वो आप हाइड कर सकते हो, जो पहले हाइड नहीं होता था। तो मेरे पास भाई फिलहाल कास्टिंग के लिए कोई एंड्रॉयड टीवी कुछ नहीं है तो मैं कास्ट करके नहीं दिखा सकता। तो ये सारी फीचर्स है MIUI 12 के अंदर। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।